આગળ વધી રાહુલ ગાંધીએ ગુજરાત કોંગ્રેસ કોર કમિટીની બેઠક બોલાવી છે. 2019 લોકસભા ચૂંટણીની રણનીતિ પર આ બેઠકમાં ચાર ખાસ ચર્ચા કરાશે. 26 સપ્ટેમ્બરે સવારે 10 કલાકે બેઠક જે છે બોલાવવામાં આવી છે અને છેલ્લા 2-3 મહિનામાં સંગઠન માટે કામ કરનાર નેતાઓને સન્માનિત કરવામાં આવશે. રાહુલ ગાંધી પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રભારી અને સહપ્રભારી આ બેઠકમાં હાજર રહેશે. ખાસ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જે 2019 લોકસભા ચૂંટણીની રણનીતિ પર ચર્ચા થનારી છે. 26 સપ્ટેમ્બરે સવારે 10 કલાકે બેઠક બોલાવવામાં આવી છે. બેઠકનું આયોજન છે જ્યાં કોંગ્રેસના તમામ પ્રભારી અને સહપ્રભારી બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેશે. રાહુલ ગાંધીએ આ બેઠક બોલાવી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ કોર કમિટીની આ બેઠક જ્યાં આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને ખાસ 2019 લોકસભા ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને તેની રણનીતિ પર ચર્ચા થનારી છે. 26 સપ્ટેમ્બરે સવારે 10 કલાકે આ બેઠક મળવા જઈ રહી છે. રાહુલ ગાંધીએ બેઠક બોલાવી છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ કોર કમિટીની આ બેઠક 2019ની લોકસભા ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ તેમ તમામ પક્ષો સક્રિય થઈ રહ્યા છે અને આ જ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને રણનીતિ નક્કી કરવા માટે કોંગ્રેસે બેઠકનું આયોજન કર્યું છે. વધુ માહિતી આપશે દિલ્હીથી સંવાદદાતા રંજીતા ઝા. રંજીતા, જિસ તરહ મીટિંગ મિલને વાલી હે ક્યા જ્યાદા જાનકારી? जी, 25 सितंबर को राहुल गांधी ने ये बैठक बुलाई है. हालांकि कोर कमेटी के जो चेयरमैन है एके एंटनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी. 2019 के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने 3 बड़ी कमेटियां बनाई थी जिसमें कोर कमेटी का काम प्रदेश में किस तरह से लगातार संगठन काम कर रहा है, कौन कौन से एजेंडा है जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी 2019 के चुनाव को लेकर, इन सभी चीजों पर चर्चा होगी. एक रूटीन बैठक है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और प्रभारी राजीव साठव इस बैठक में होंगे. कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में इस बैठक को बुलाया गया है और एके एंटनी की अध्यक्षता में ये बैठक है. पिछले 2 से 3 महीनों में क्या कामकाज रहे प्रदेश के, उन सभी चीजों की रिपोर्ट दी जाएगी और एंटनी उस रिपोर्ट को देखकर आगे कमेटी और संगठन किस तरह से काम करे, प्रदेश कमेटी कैसे काम करे, उसको लेकर दिशा निर्देश दिया जाएगा. बिल्कुल रंजीता, साथ में ही प्रभारी सहप्रभारी को खास इस बैठक में बुलाया गया है. क्या कामगिरी सौंपी जाएगी इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, संगठन की ये बैठक है. हर राज्य के नेताओं को और हर राज्य में जो पीसीसी सीएलपी प्रभारी जो है प्रदेश के और सह प्रभारी, उन सबकी बैठक अलग अलग दिन रखी गई है. कल गुजरात की बैठक बुलाई गई है. एक रूटीन बैठक के तौर पर इसे देखा जा सकता है. राहुल गांधी ने ये कमेटियां बनाई थी लेकिन बात पिछली बैठक में तय हुई थी कि किस तरह अलग अलग बड़े नेताओं को जिम्मेदारी अलग अलग कमेटी की दी जाए, तो कोर कमेटी की जिम्मेदारी एके एंटनी को दी गई है और एंटनी की अध्यक्षता में यह बैठक 15 GRG में बुलाई गई है जिसमें पिछले 3 से 4 महीनों के कामकाज पर बातचीत की जाएगी और आगे के रोड मैप पर भी चर्चा होगी. जी जी रंजीता, धन्यवाद जानकारी के लिए. तो आवतीकाले खास जे प्रकारे बैठक नु आयोजन करवाने लईने माहिती मळी छे. 2019 लोकसभा चूंटणी की रणनीति पर खास चर्चा थनारी छे.